नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी बाहरी नेताओं पर भरोसा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में घमासान जारी है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आलम यह है कि न सिर्फ स्थानीय नेताओं बल्कि देश भर के सैकड़ों अनुभवी नेताओं को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में झोंक दिए हैं। हालांकि कांग्रेस इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ने का दावा कर रही है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट और आगे इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय नेताओं को कमान सौंपी है। पहली बार आचार संहिता लगने से पहले देश भर से बीजेपी के 220 बड़े नेताओं की फौज अगले दो महीने के लिए छत्तीसगढ़ आने वाली है। इसमें हर जिले और संभाग के एक एक प्रभारी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। ये सभी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के नेता हैं। इनमें कुछ सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और संगठन महामंत्री तक हैं। इन नेताओं की रिपोर्टिंग सीधी दिल्ली से होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ का दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया गया है। फिलहाल भाजपा के प्रभारियों की जिम्मेदारी होगी कि टिकट मिलने के बाद विरोध को शांत करना, बाकियों को समझाना, जीत के लिए काम करना, जहां प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं वहां चुनावी रणनीति बनाना, प्रत्याशियों पर नजर रखना, जहां प्रत्याशी घोषित होने हैं वहां अच्छे उम्मीदवारों के बारे में पार्टी को बताना, पार्टी में किसी भी तरह के डैमेज कंट्रोल के बारे में आला कमान को आगाह करना, पन्ना प्रभारियों और बूथ कमेटी का औचक निरीक्षण कर उन्हें मजबूत करना। बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ की कमान देश भर के नेताओं को दिए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बीजेपी पर तंज कसा। लिखा, मतलब तीन बड़े वालों से नहीं हो पाया, सभी का स्वागत है। 220 क्या 440 आए। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान को देखें, यहाँ की संस्कृति सभ्यता उन्हें बहुत प्रभावित करेगी और पता चलेगा कि 15 साल की गलतियां इतनी बड़ी थी कि प्रदेश में चुनाव लड़वाने के लिए नेता भी नहीं बचे हैं। बाहर से आए बीजेपी नेताओं को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि मैं चुनाव को दो हिस्सों में बांटता हूँ, एक पॉलिटिकल, दूसरा टेक्निकल। हमारे अन्य राज्यों से जो कार्यकर्ता आए हैं वह पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, चुने हुए लोग हैं, उनको चुनाव का अनुभव है। नीचे बूथ स्तर तक हमारा मैनेजमेंट ठीक हो, यह काम वह करने वाले हैं। टोटल का जो मैं पहले दिन से करता हूं, मैं चुनाव को दो हिस्सों में बांटता हूं, एक पॉलिटिकल और दूसरा टेक्निकल। तो हमारे जो बिहार से और उड़ीसा वगैरह से झारखंड से आए हैं, ये पार्टी के सारे वरिष्ठ और सीनियर नेता है, चुने हुए लोग हैं सर, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, उनको चुनाव का अनुभव है। तो नीचे बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक हमारा टोटल मैनेजमेंट ठीक हो, ये काम महीने भर वो कर ले। वही कांग्रेस का कहना है कि यहाँ के नेताओं पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को भरोसा नहीं है, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी पर क्यों भरोसा होगा। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में काम करने से मना कर दिए। जो यहाँ के नेता हैं उनके ऊपर तो उनका केंद्रीय नेतृत्व तो भरोसा नहीं कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्रों में भी ये बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के ऊपर में इनको भरोसा नहीं है। तो जिनको छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको छत्तीसगढ़ की जनता कैसे भरोसा करेगी। बहरहाल बीजेपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसकी वजह से देश भर के अनुभवी नेताओं को यहाँ की कमान सौंप दी गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के स्थानीयवाद और विकास के नारे के बीच बीजेपी की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता है, केएस चौहान जी बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले केएस चौहान जी के पास चलेंगे। केएस चौहान जी, विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और बीजेपी ने 220 बड़े नेताओं की फौज जो है अगले दो महीने की छत्तीसगढ़ में आने वाली है, इस पर जो कांग्रेस है वो तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो छत्तीसगढ़िया के जो कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उन पर भरोसा नहीं है बीजेपी को। कविता जी, एक मंदिर में अगर कोई प्रोग्राम होता है और आजू बाजू के लोग अगर वहां पर साफ सफाई करने आते हैं, दिया जलाने आते हैं और कुछ सेवा करने आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि पुजारी के ऊपर भरोसा नहीं है, वहां के मंदिर के कर्मचारियों के ऊपर भरोसा नहीं है। ये होता है टीम वर्क, टीम वर्क होता है। और जिससे भारतीय जनता पार्टी का आधार है, जो संगठन, ये संगठन से सत्ता की ओर गई है। जो सत्ता वाले, जो सत्ता, जो सिल्वर स्पून के साथ जो पैदा हुए हैं, वो ये सब चीजें नहीं जानते हैं।
और दूसरी बात यह है, मान लीजिए कि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है जिसके खुद के बहुत सारे बहुत सीए रहते हैं खुद के इन हाउस, उनके ऊपर भी ऑडिटर्स आते ताकि उनका काम को इम्प्रूव किया जा सके। ऐसे कई वर्कशॉप हम लोग देखते हैं, आप मीडिया हाउस में भी कई वर्कशॉप होती होगी जहां बाहर से लोग आते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप लोग के ऊपर मीडिया हाउस को भरोसा नहीं? नहीं, आपका काम इम्प्रूव हो इस पे उनका तवज्जो वो तरीका रहता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने काम को हमेशा इम्प्रूव करने की सोच रखती है, नए नए तरीके लाने की सोच रखती है। दूसरी बात, ये टीम वर्क है। टीम वर्क क्यों है कविता जी? क्योंकि सभी लोग जो आ रहे हैं उनका कोई अलग अलग हित नहीं है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में है, टीएस सिंहदेव जी का अलग हित है, गृह मंत्री जी का अलग हित है, मुख्यमंत्री जी का अलग हित है और दूसरे विधायकों का अलग अलग हित है, लेकिन यहाँ पर एक ही हित है, एक ही विचारधारा को वो ऊपर लाना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मिशन के लिए, जो अपनी विचारधारा के लिए सत्ता में आना चाहते, लेकिन इनका तो मिशन ही सत्ता में आना है। इनकी क्या विचारधारा है, ये किसको बुलाएंगे? इनकी विडंबना ये नहीं है, इनकी विडंबना नहीं है कि हमारे जो लोग आ रहे हैं। लेकिन केएस चौहान जी, टीम की आप बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी टीम है, छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भी टीम है, दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में भी है, 220 लोगों को बुलाना पड़ रहा है, तो क्या बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव? बहुत अच्छा सवाल। आईपीएल अपन देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, आईपीएल में जो टीमें रहती हैं, क्या गुजरात की टीम का गुजराती कोच रहता है? क्या पंजाब की टीम का पंजाब से ही कोच रहता है? क्या दूसरी जो टीमें, पुणे की जो टीमें हैं, महाराष्ट्र की टीमें हैं, क्या वहां का कोच वहीं का रहता है? अरे इंडिया का कोच क्या वहीं पर का रहता है या दूसरी? तो ये सोच ही अलग है। लेकिन केएस चौहान जी, कांग्रेस यही सवाल उठा रही है ना, केएस चौहान जी कांग्रेस यही सवाल उठा रही है कि क्या स्थानीय कार्यकर्ताओं पर, स्थानीय नेताओं पर केंद्रीय जो दिग्गज लोग जो आ रहे हैं, क्या भरोसा नहीं है कि बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है? आपको मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल कंपनी के ऊपर कोई ऑडिटर आता है तो इसका क्या मतलब रहता है कि वहां के सीए लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, वहां के कर्मचारियों के ऊपर भरोसा नहीं है? या कोई वर्कशॉप दी जाती है बाहर से, जो लोग एक्सपर्ट लोग आते हैं वो क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं रहता है कि उनका उनका जो काम है वो इम्प्रूव करने आते हैं, उनके काम को और सुदृढ़ करने आते हैं, उनके काम को और बेहतर करने आते हैं? क्या ये ध्येय नहीं रहता? यही ध्येय रहता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की, मैं जो बोल रहा था कि कांग्रेस की परेशानी ये नहीं है कि हमारे यहां पर आ रहे, कांग्रेस की परेशानी ये है कि ये किस विचारधारा का संचार करेंगे। इनके पास कोई क्लियर कट विजन नहीं है, इनके पास कोई क्लियर कट विचारधारा नहीं है। ये किस पे, ये किसको बुलाएंगे जो इनकी पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं? ये किसको बुलाएंगे जो आपके विधायक हारे हुए हैं और सांसद हारे हुए हैं? ये किसको बुलाएंगे? इंडिया में, इंडिया जो गठबंधन है उसमें 28 पार्टियां है, उसमें से 7 पार्टियां इनके, ये तो खुद के दम पे लग रहे हैं ना, ठीक है, उनकी, ठीक है, उनकी टूटी हुई पार्टियां। सुरेंद्र वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी, ये किनको, आपका विजन जो है, कांग्रेस का विजन जो है वो क्लियर कट नहीं है। तमाम तरह के उदाहरण दे दिए जो जो कांग्रेस ने तंज कसा था, निशाना साधा था, 200 जो नेता आ रहे हैं, तमाम उदाहरण दे दिया केएस चौहान जी ने। कविता जी, भाजपाइयों की मजबूरी समझिए, चौहान जी सफाई दे रहे हैं तो उदाहरण कहाँ से ला रहे हैं? आईपीएल का बहाना बना रहे हैं, आईपीएल में 220 कोच होते हैं क्या? जिस कारपोरेट का, इनकी सच्चाई देखो, इनके पार्टी का जो असलियत है उसकी सच्चाई सामने आ रही है, कारपोरेट से तुलना कर रहे हैं। तो भाजपा की असलियत यही है, पूंजीवाद और अधिनायकवाद। अमित शाह के सामने किसी को मुंह खोलने की हिम्मत है क्या किसी भाजपाई में?
तो ये इनका अधिनायकवाद है। और जो कारपोरेट कल्चर की बात कर रहे हैं, तमाम सूर्या फाउंडेशन जैसी कंपनियां लगी हैं, तो इनके यहां कार्यकर्ताओं नहीं चाहिए इनको, इनको केवल मिसकाल कार्यकर्ता चाहिए जिनके माध्यम से ये झूठ फैला सके, नफरत फैला सके, हिंसा फैला सके, भ्रम का माहौल फैला सके। और छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल भोगा है इनका कुशासन, और जो पिछले 4.5 साल से कविता जी भूपेश पर भरोसे की सरकार है, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के सारे पैतरे सारे षड्यंत्र नाकाम रहे। यही कारण है कि देश के गृह मंत्री पिछले 6 महीने से मणिपुर जल रहे हैं, वहां जाने का इनके लिए समय नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। यहाँ बूथ कमेटी की बैठक भी देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेना पड़ रहा है, क्योंकि इनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, छत्तीसगढ़ के नेता और कार्यकर्ताओं को पर तो इनको बिल्कुल ही नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 90 विधानसभा के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के 90 विधायकों को बुलवाए। किस लिए बुलवाए? वो स्टार प्रचारक नहीं है, वो प्रभारी भी नहीं है, उनको मैनेजमेंट सौंपाया। इनके प्रभारी ने ये कहा था अब 220 नेता बड़े नेता आ रहे हैं, तो ये 24,000 बूथ हैं, ये तो बूथ में एजेंट भी बाहरी को बैठाएंगे, और ये भाजपा ही बताए कि मतदाता भी बाहर से लाएंगे क्या? क्योंकि इन्होंने 2018 के चुनाव में ये दावा किया था 56 लाख मिस कॉल कार्यकर्ता है, इनको 41 लाख वोट भी नहीं मिले। ठीक है, लगातार जिस प्रकार से अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोट रहे हैं, इनको तो भरोसा ही नहीं है। 65+ का नारा अमित शाह जी ने दिया था, 15 सीट जीते थे, आज 13 हो गए, तो इनको तो पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ में जो समृद्धि आई है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, छत्तीसगढ़िया परंपरा संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की जनता को, ये 15 साल सरकार में रहते हिकारत भरी नजरों से देखते थे। यही कारण है कि आज इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, इनके कार्यकर्ता काम करने से मना कर दिए, इसलिए ये बाहरी राज्यों से बुला रहे। ठीक है, नहीं तो कविता जी ये सामान्य प्रक्रिया है, स्टार प्रचारक प्रभारी ऑब्जर्वर तो आते हैं, सहयोगी के रूप में भी आते हैं, लेकिन ये ठेके पर देने की जो ये तो साफ दिख रहे कि इनके कार्यकर्ता काम ही नहीं करना चाह रहे, इसलिए मजबूरी है अमित शाह की। ठीक है, अजय चंद्राकर जी के पास चलेंगे। अजय चंद्राकर जी, विधानसभा चुनाव जो है करीब करीब पास ही है, और 220 जो नेता है बाहरी नेता आएंगे, उसमें मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री विधायक ये सब हैं, झारखंड बिहार ओडिशा से। क्या इस बार का जो विधानसभा चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? बिल्कुल कविता जी, बीजेपी के लिए कई आयामों में बहुत बड़ी चुनौती जी। पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र सरकार की लगभग 2 कार्यकाल की एंटी कंबेंट थी, यह एक प्रमुख विषय है। दूसरी बात है, पास्ट टाइम में तय हुआ था कि बीजेपी के ही द्वारा कि क्षेत्रीय छत्रपों को महत्व दिया जाएगा, और उस समय लगा था, यकीनन इससे कोई इनकार नहीं है कि कार्यकर्ता से राजनीति बनती है जी, और राजनीति के आश्रय कार्यकर्ता बनते हैं, स्थानीय मुद्दे होते जी। लेकिन यहां पर बीजेपी यह मैसेज देने का प्रयास कर रही कि कोई भी नेता कार्यकर्ता से बड़ा नहीं है और हर बड़ा नेता कार्यकर्ता है, तो इसमें उलझा हुआ है। सवाल यह है केंद्र का एंटी कंबेंसी जी, और इससे निपटने के लिए, इसका समाधान के लिए वो जी केंद्र की नेताओं के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, जबकि लोकल टोपोग्राफी, लोकल पॉलिटिकल मनोविज्ञान जी, लोकल पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बिहेवियर, उसको समझने में स्थानीय नेता मास्टर होते जी। खैर जो भी इनकी मजबूरी रही हो, लेकिन ये असली लड़ाई, मान लो बीजेपी जीत भी गई तो एक ही चेहरा को श्रेय दिया जाएगा, और बीजेपी हार भी गई तो यहाँ पर मूल बात यह आ रही है कि वो आडवाणी जी के समय, अटल जी के समय जिस तरह से अन्य दलों के साथ समन्वय करने की बात हुई थी, तो 24 टारगेट है, इसलिए यहाँ पर केंद्र के नेताओं को और स्थानीय स्तर पर भेज करके बीजेपी एक प्रयोग कर रही है, लेकिन स्थानीय नेताओं को महत्व देना चाहिए, और जिस तरह से चाहे धमतरी हो, महासमुंद हो, इवन राजनांदगांव हो, या फिर बिलासपुर हो, वहां जिस तरह से लोकल नेताओं की बैठकें चल रही हैं और वो इंतजार कर रहे हैं
13 लगभग 14 लगभग 13 जो एमएलए हैं वो इंतजार कर रहे हैं, उनके भी कार्यकर्ता हैं। अब प्रश्न ये है कि क्षेत्र में जाना कविता जी, क्षेत्र में क्या लेकर के जाना है या क्लियर होना चाहिए। वही महंगाई, वही बेरोजगारी और वही कह सकते हैं कि धान का विषय। जब तक आप 400 भेज दो धान काउंटेबल नेता आ जाए, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक पॉलिसी की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी को फाइट बयाना। जी बिल्कुल, केएस चौहान जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी आ रही है। जी चौहान साहब, कितने सहमत हैं आप अजय चंद्राकर जी की बातों से? एंटी इनकम्बेंसी की भी बात कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी। जी मैं अजय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और मैं आंशिक रूप से इनसे सहमत भी हूं, लेकिन ये जो आ रहे हैं, ये जो हमारे बाहर से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनका ध्येय एक है और वो यही चाहते हैं कि विचारधारा का संचार हो, विचारधारा की जीत हो, और उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी कहा और अभी जैसे आनंद शुक्ला जी बोल रहे थे कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काम करने के लिए मना कर दिया है, तो आपके उप मुख्यमंत्री जी ने ही भरी सभा में कार्य करने के लिए मना किया हुआ है कि बोले कि मैं उन विधानसभा में नहीं जाऊंगा जिन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, यहां तक की नौबत है। और आप अपना नहीं देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत के लिए काम कर रही है, दूसरे को हराने के लिए नहीं। और ये लोग दूसरे को हराने के लिए काम करते हैं, इसमें बहुत जमीन और आसमान का अंतर रहता है। क्यों आप क्यों चिंता कर रहे हैं कि अगर हमारे जो कार्यकर्ता बाहर से आ रहे हैं, आपको चिंता क्यों होनी चाहिए? आपको चिंता इसलिए है कि आपने जो जिले बनाए, जो जिले की घोषणा की उसको बनाया नहीं। आपको चिंता इसलिए है कि आपने जो अपने वादे किए थे उसको पूरा किया नहीं। आपको चिंता इसलिए है क्योंकि आपने अपराधियों को शरण दी। आपको चिंता इसलिए है कि आपने शराबबंदी का वादा किया था उसको घर घर तक पहुंचाया। आपको चिंता इसलिए है कि आप हर क्षेत्र में विफल हुए। आपको चिंता इसलिए है, लेकिन सुनिए ना, ठीक से नहीं कर पाए। केएस चौहान जी, चिंता इसलिए है, चौहान जी बात यह है कि जो 15 सालों तक सत्ता में रहे उन बड़े चेहरों को आगे करना चाहिए ना। स्थानीय नेताओं की बात हो रही है बार बार, जो कांग्रेस भी यही कह रही है। अच्छा एक बात बताए, टीम का मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी तो छत्तीसगढ़ में टीम नहीं है, हालांकि मैं क्या बोल रहा हूँ, सीएम भूपेश बघेल जी कह रहे हैं 220 के 440 आ जाए, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक उत्थान को देखेंगे। तो फिर आपको आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप बोलते हो कि मतलब इनको भरोसा नहीं है, इनके घर यहाँ के कार्यकर्ता ने काम करना बंद कर दिया है, तो आप खुद जाके अपने घर में सो जाइए। जब आपको 440 में आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप 220 में आपकी नींद उड़ी हुई है, तो आप अपने घर में जाके सो जाइए। जो आप क्या बोलते हैं यात्राएं निकाल रहे हैं, क्यों खड़गे जी आते हैं और लोग उनको सुनना नहीं चाहते हैं? क्यों प्रियंका गांधी, सुरेंद्र वर्मा जी, केएस चौहान जी बोल रहे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? कविता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी ने कही, ये शीर्ष नेतृत्व को उतार रहे हैं, अच्छी बात आए। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी आए, राष्ट्रीय पदाधिकारी आए, केंद्रीय मंत्री आए, छत्तीसगढ़ की जनता तो पूछेगी कि जब भूपेश सरकार ने अपने वादे को पूरा किया तो अड़ंगा लगाने का क्या कारण था? लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चावल खरीदी की कटौती क्यों कर रहे हैं? महंगाई को लेकर क्या जवाब है? 100 दिन में कम करने का वादा था, अपने समय में बोलिए ना। चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब सुन लीजिए, केस चौहान जी सुन लीजिए, जनता 3200 दिन हो गए, महंगाई 100 दिन में कम करने का वादा था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, पिछले 2.5 साल का नीति आयोग का डेटा देख लीजिए, 36 लाख लोगों की लगी लगाई नौकरी मोदी सरकार की गलत नीतियों ने छीनी है। पिछले 10 दिन के दौरान कविता जी 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री आए हैं, ये
किसी मंत्री ने अपने विभाग की बात नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी की हकीकत सामने है। सबसे बड़ा वर्ग है ओबीसी छत्तीसगढ़ में, इतनी हिकारत है इनको ओबीसी वर्ग से। इनके पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा ने भरे मन से मुख्यमंत्री को जूते का कीड़ा कहा, ये भाजपा ही कब माफी मांगेंगे? ओबीसी वर्ग इस बात के लिए भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से ओबीसी के उस समय 2003 में ताराचंद साहू सबसे बड़े नेता होते थे, उनको उपेक्षित किया, किराया किया, भाजपा छोड़ने मजबूर किया और ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाए। आज भी चंद्रशेखर साहू सबसे बड़े नेता अपने समय में बोलिएगा, छोड़ दीजिए। आपकी बात, चार बार आना पड़ा था पिछले बार प्रधानमंत्री को, क्या हुआ? ऐसे बात नहीं होगी चौहान जी, सुन लीजिए आपके बारे में नहीं चौका जी, ऐसा बात नहीं होगी सुरेंद्र वर्मा जी ने, ऐसा बात नहीं होगी। ठीक है, बोलिए। 2018 में सुन लीजिए, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। 2018 में भाजपा हारी रमन सिंह के गलत काम के वजह से, उनके भ्रष्टाचार कुशासन और वादा खिलाफी के वजह से ठीकरा किस पे फोड़ा गया? धर्मलाल कौशिक तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर उनको नेता प्रतिपक्ष बनाए, ढाई साल के भीतर फिर बदल दिया। तो जब जब इनकी हार होती है ठीकरा ओबीसी पर फुटता है, लेकिन जब श्रेय लेने की बारी आती है अजय चंद्राकर जी के पास चलेंगे। नरेंद्र मोदी, अजय चंद्राकर जी, क्या बाहरी नेताओं का प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? कविता जी देखिए, जिन तीन राज्यों की चर्चा हुई है वहां झारखंड में बीजेपी को सफलता नहीं मिली जी, उड़ीसा में बीजेपी को सफलता नहीं मिली, और साथ ही साथ एक और राज्य का नाम दिया गया वहां बिहार में जी। अब प्रश्न ये है, विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी के बर्थडे के जो विश्वकर्मा योजना लागू किया गया राउंड फिगर 17,000 करोड़ का, तो उसमें केंद्र के जितने मंत्री हैं उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए राउंड फिगर पहला टारगेट था 2 अक्टूबर तक पहुंचना। दूसरी बात थी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रायः होता है क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ तालमेल बिठाना, लेकिन जिस तरह से यहाँ के प्रभारी जी 2 सेंटेंस प्रयोग किया, पॉलिटिकल दूसरा टेक्निकल, मैं छत्तीसगढ़ के इन बीजेपी के नेताओं को जानता हूं, उसमें एक नेता तो एकमात्र अपराजेय योद्धा भी है, रायपुर दक्षिण का विधायक। तो ऐसे लोगों का जो अनुभव, जिनके बारे में कभी कहा जाता था कि चुनावी प्रबंधन उनका बेमिसाल रहता है, उनके ऊपर आप किसी और को बिठा दोगे जो अपने स्टेट में सफल है ही नहीं, तो यहां पर एक ना एक दृष्टिकोण से असंतोष तो होती है। लेकिन मुख्य लड़ाई है, केंद्र की नजर है यहाँ पर, इसका मतलब है कि आने वाले समय में टिकटों का जो वितरण होगा उसमें कहीं असंतोष ना हो, इसको भी कैसे मैनेज किया जाए, बहुत से आयाम हैं। लेकिन केंद्र सरकार एंटी कंबेंशन झेल रही है और खास तौर से छत्तीसगढ़ ओबीसी बहुल है, बिल्कुल सही है सुरेंद्र वर्मा जी का कहना, जाति जनगणना एक बड़ा विषय बन गया है, लेकिन अभी भी संघ और बीजेपी कार्यकर्ता ये दोनों मिलकर के तालमेल स्थापित करें और स्थानीय क्षेत्रों को महत्व दें। तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको सर्वदलीय रूप से सम्मान दिया जाता है, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना जी। बिल्कुल, समय का अभाव है इसलिए यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा डिबेट को। सुरेंद्र वर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, और केएस चौहान जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, अजय चंद्राकर जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और दोनों ही पार्टी नए नए प्रयोग कर रहे हैं। यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2 महीने के लिए 220 नेताओं को अलग राज्यों से लाने की तैयारी में है। वहीं पर इसी पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। इसी के साथ बात छत्तीसगढ़ की इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।